माता लक्ष्मी का फोटो लगाया हुआ है। कुछ हिंदी में बात करें? थोड़ा अच्छा लगता है। तो वो जो काला जादू बोलते हैं ना, वो सारा यहाँ होता है। बुटीक ओनर यस। वो भाई पोलिश होके भी, पोलैंड का होके भी वेजिटेरियन है। सो गाइस, द नो इज रेडी। मैंने सारा सामान कर लिया। टाइम हो गया है 8:30 हो गया हूँ, 8:30 का टाइम हो गया। अब निकल रहा हूँ, आज लेट बहुत हो गया हूँ और गर्मी अभी शुरू हो गई बहुत तेज़ वाली। तो देखते हैं कितनी दूर तक ट्रैवल करा जा सकता है। खाली एक बरिया एक खाली है, तो रास्ते में पानी भी लेना पड़ेगा आज हमें। वेस्ट अफ्रीका में कहा जाता है कि यहाँ के जो पानी है उसमें वायरस और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ कि वेस्ट अफ्रीका में मुझे पानी भरना पड़े बार बार। ये सिद्ध कोप करके मेरा जो गेस्ट हाउस था, ये था भाई, लॉज बोलते हैं क्या, लॉज था। मेन रोड से बिल्कुल पास में ही था। अब हम रिसेप्शन सिक्योरिटी भाई जान से मिल गया मुझे। बाकी मैं कोई बड़ा गांव का है नहीं जहाँ से दोस्तों, पता नहीं यहाँ पे क्या सिस्टम है। जब तक चलता नहीं हो तब तक तो यूँ लगता है यार पता नहीं कितना 20-30 किलोमीटर चला जाएगा, 40 किलोमीटर, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है ना, गर्मी बहुत है। और एक बार चलने के बाद में कहता है कि चल खींच दे बाबा। ला 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 ला, माता बच्चा भी ले रही है, सामान भी कितना ले रही है। पेट्रोल पम्प बहुत है यार यहाँ पे, हर जगह पेट्रोल पम्प है और खाली पड़े हैं, कोई लोग नहीं है यार, तो बंद हो गए हैं। कल मेरा जो प्लान था ना, वो ये अकाशी करके कोई जगह है यहाँ पे 1 किलोमीटर अंदर, यहाँ रुकने का था, पर इमिग्रेशन वालों ने लेट कर दिया तो मैं 10 किलोमीटर पीछे रुक गया था। गेस्ट हाउस रास्ते में मिल गया था मुझे। तो गर्मी से अभी भी मेरा बुरा हाल हो गया है, इतनी गर्मी है। हालांकि हवा चल रही है उसके बावजूद भी गर्मी है, उसके बावजूद पसीने आ रहे हैं। सामने से हवा चल रही है तो सामने से पसीना नहीं आ रहा, पीछे से पसीने आ रहे हैं। अब हम ये बाईपास बना हुआ है, शहर के अंदर से नहीं जाएंगे, बाईपास से निकल जाएंगे। अब हाय, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया व्हिच पास? मुंबई। हाँ, दिल्ली। दिल्ली, वाओ। और व्हाट अबाउट यू? मी, यू हियर? आई एम अ गानियर। नो, आई एम फ्रॉम फार, आई एम गोइंग टू अक्रा। अक्रा, ओके, आई एम आल्सो गोइंग अक्रा विद द बाइसिकल। या वाओ, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? टोगो। आया। सो भाई, रास्ते में भाई ने आवाज लगा ली थी। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? I am JC. A boutique owner. Boutique owner. Yes. For females or males? No, male and female. Okay, both. Yes. Where? In Accra? No, I have some in Aflao. Okay. And some in Accra. Okay, okay. But now I'm going to Accra. I only want to relax more before I go again. Okay, okay. भाई ने रोक लिया तो थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं। आजकल मैंने नया तरीका सीखा है। आप लोग कहते थे ना लोकल से इंटरेक्ट नहीं करते, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंटरेक्ट करने में दिक्कत नहीं होती। वोल्टा रीजन, इस स्टेट को वोल्टा बोलते हैं। वैसे जिस एरिया में घूम रहा हूँ ना, जहाँ पे अकाशी करके कोई जगह है, सिटी स्टेट बोल सकते हो, वोल्टा स्टेट बोल सकते हो इसको। पुलिस अपनी बैरिगेट लगा के बैठी है, अथॉरिटी कंट्रोल। अच्छा, कंडा लगाया हुआ है। स्कूल के बच्चे हैं, पानी भर के लेके आ रहे हैं स्कूल में ले जाने के लिए। पीने का पानी जो है बाहर से जाता है, पीने का पानी की फैसिलिटी जो होता है, आरओ वगैरह जो है गांव के बीच में लगा होता है, वहां से पीने का पानी लेके जाते हैं। गर्मी ज़्यादा हो गई यार, मैंने रोक लिया एक बार धन्नो को। और देखिए यहाँ पर ना जगह जगह स्पिरिचुअल सेंटर्स बने होते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के अलावा भी कोई एक और धर्म है। ये देखिए, नामा अकामी, ये कोई गुरु होगा और उसने अपना सेंटर बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, मूर्ति लगाई हुई है और उधर जैसे अपना त्रिशूल है उस तरह का। तो वो जो काला जादू बोलते हैं ना, वो सारा यहाँ होता है इन जगहों पे। अभी कोई बंदा दिखा नहीं मुझे, बाहर दिखता तो उससे बात कराता। पर गर्मी बहुत है यार, ह्यूमिडिटी जब 90% और 35 डिग्री टेम्परेचर, फील लाइक 41 के आसपास हो, हालत ख़राब हो जाती है।
गाड़ी में से बोला नमस्ते एंड देन ही से आप कैसे हैं हाय हाउ आर यू गुड गुड ब्रदर गुड सो व्हाट्स योर नेम यूजेन यूजेन एंड यू जेक जेक सो यूजेन यू स्टडी इन इंडिया वेयर इन इंडिया आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ओके तो कुछ हिंदी में बात करें थोड़ा अच्छा लगता है सो हाउ इज एवरीथिंग गुड गुड मदर नमस्ते हाय हाउ आर यू मॉम फाइन ओह नाइस सो यू लिविंग हियर Yes, my mom lives here. We are just passing through. We're going down to a funeral and everything. Okay. Where you stayed in Delhi? In India, I was in Delhi. I was in a hostel. Yes, international student house in international Delhi, student house. Delhi, okay. That's nice, yaar. Khair, acha lagta hai, yaar. Bahar aake apni language sunke. कितनी बड़ी नदी है यार ये और नदी पे पुल को भी देखो कितने एलिवेशन के साथ बनाया है इन्होंने शायद नीचे से शिप वगैरह निकलती हैं तो ये नदी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चल के समुंदर में चल जाएगी फिशिंग कर रहे हैं लोग पुल भी कम से कम 500 मीटर लंबा होगा नारियल पानी पीने का मन था यार गर्मी बहुत है और ये सबसे अच्छा सोर्स है क्या बात है यार कुछ इंडस्ट्री लगा दी है वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर अच्छा लगा देख के ग्रोथ के लिए कुछ तो कर रहे हैं और वैसे भी यहाँ पे तो जो है बिजनेस को अच्छा संभालती है देसी योगर्ट योगर्ट फालाइस सुपर योगर्ट कुल्फी नहीं है इट्स योगर्ट फालाइस मिल्क मिल्क ओके गिव मी वन मोर हाउ मच इट इज 2.5 2.5 ओके गिव मी 5 भाई इसने रेट दिखा दिया मुझे लग रहा है मेरे को देख के चीट कर रहा है पर भाई ने रेट दिखा दिया थैंक यू सो मच छोटे ब्रदर व्हाट्स योर नेम हाउ मच यू अर्न इन अ डे इन द डे हाउ मच यू अर्न इन अ डे दिस वाज योर गेट आई 5 सीरीज 10 पेसोस ओके एंड व्हाट इज दिस बोफलोस व्हाट इज हाउ मच इट इज वन यार ये तो ब्रेड सा है ना थैंक यू सो हाउ यू नो दैट आई एम इंडियन आई बीन चैटिंग योर फ्रेंड इज ऑन फेसबुक फ्रॉम इंडिया है ओह वाओ गर्लफ्रेंड और फ्रेंड बॉयफ्रेंड यू हैव बॉयफ्रेंड है ओके तो ये जब मैंने खरीदा तो मेरे को लगा कि कुल्फी होगी और मैंने देखा कि कुल्फी तो नहीं है फिर वो बोला कि मिल्क है तो मिल्क है चलो मैंने ले लिया देखता हूँ टेस्ट करके देखता हूँ टेस्ट इसका बहुत अच्छा है यार ऐसा टेस्ट जैसे हमारे ना कुल्फी जमने के बाद में थोड़ी सी वो उनी हो जाती है पिघल जाती है फिर टेस्ट आता है ऐसा टेस्ट है अच्छा लग रहा है और अब क्या है कि अगर रास्ते में कहीं प्यास व्यास लगी फंस गया तो ये ले सकता हूँ रास्ते में ये बहुत लोग घूमते हैं कुल्फी वाले हर गाँव में आपको कुल्फी वाला घूमता हुआ मिल जाएगा तो भाई ये 5 आम लिए मैंने ये आम देखो कितना बड़ा साइज़ है लगभग आधा किलो का एक आम है और 5 आम मुझे 150 रुपये के मिले हैं तो बहुत अच्छे हैं और सस्ते हैं यार यहाँ पे और ये क्या बेच रहा है शक्करगंदी ये शक्करगंदी बेच रहा है टमाटर और ये छोटे वाला प्याज ये तो बिल्कुल छोटे वाला प्याज है और ये देखिए पॉट कितने अच्छे बना रखे हैं यार इन्होंने डिज़ाइनदार अभी क्योंकि कैपिटल सिटी नज़दीक आ रही है 100-125 किलोमीटर है तो कैपिटल सिटी में अमीर लोग हैं वो आते जाते इसको लेके जाते हैं और सारा ये मिट्टी का काम है मिट्टी से बनाए हुए चीज़ें हैं सारी सुंदर है यार अच्छा लगा देख के फ्रूट की तो बात ही मत करो यार यहाँ पे पता है देखिए अभी आपको दिखाता हूँ 30 CD में उसने मुझे 5 आम दिए हैं तो मैंने उसको 50 दिए वो 20 चेंज करवाने गया ये देखिए वो अमरूद है ये आम है ये पपीता है वो है नारियल ये केला लगा हुआ है बीच में 5-6 तरह के फ्रूट तो मुझे एक जगह ही दिख गए घाना मुझे लग रहा है ना घाना में जो एक वेस्ट अफ्रीका में एक चीज़ थी कि अमीर बहुत अमीर है गरीब बहुत गरीब है तो यहाँ पे गरीब बहुत गरीब नहीं है ठीक वाला भी गरीब है यूमी 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 मैं रोड पे जा रहा था तो मुझे अपोजिट साइड एक अजीब चीज़ दिखी देखिए तोबगे आर्जे ट्रेडिशनल एंड हर्बल हीलर माता लक्ष्मी का फ़ोटो लगाया हुआ है नॉर्मली ऐसी चीज़ें देखने को मिलती नहीं है तो यहाँ पे जो मैं ट्रेडिशन देख रहा हूँ वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है हमारे हिंदू धर्म से
मैंने इसके पीछे लगा लिया है, इसके पीछे धीरे धीरे हवा का फ्लो नहीं आ रहा ना, हवा सामने की तेज़ चल रही थी तो अब हवा से बच गया मैं, और आगे का रास्ता भी दिख रहा है तो दिक्कत नहीं है। सो गाइस, मैं अभी जा रहा था रास्ते में तो मुझे एक साइकिल में से भाई ने पीछे से आवाज़ लगाई। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? लुकास। गुड गुड गुड। लुकास इज़ फ्रॉम पोलैंड है। सो वो एक साइकिलिस्ट है, वो ट्रैवल कर रहे हैं अभी गिनिया से, वो यहाँ ट्रैवल करते हैं। इनका एक डोगी है, जॉर्जिया में इनको ये मिला था और उसके साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। डोगी है, फीमेल है, दिन में 20-30 किलोमीटर चलाते हैं। अभी घाना से टोगो तक, बेनिन तक जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, फिर यूरोप चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे हैं दुनिया में यार, so really appreciate you travel with your nice dog. Travel in India, eh? Yeah. Where? This dog from Georgia to India. Georgia to India, eh? I mean, on the way I found her in Georgia. And Georgia to India, on the way you find her. Okay. So where you visit in India? Oh, from north, like from Amritsar, Khajuraho, Agra. Agra. Agra, Delhi, all different places. Goa. Bangalore, Goa. Everywhere, eh? Yeah, Goa, all around. Yeah, oh, nice. The less populated state, you know. Which state is the 200 million? Uttar Pradesh, UP. Yes, UP, yeah. That one. Oh, many people live there, yeah. Yeah, but in India we travel a lot also by trains, yeah. Trains, okay. Nice to meet you once again. Yeah. Enjoy. मैं भी अभी बस इस शहर से थोड़ा सा आगे निकल के कोई गेस्ट हाउस देखूंगा, वहाँ रुकूंगा आज रात को। साइकिलिस्ट दोस्त को बाय बाय बोलता हूँ। आप लोग मुझे कहते हो ना वेजिटेरियन होके कैसे ट्रैवल कर लेते हो, वो भाई पोलिश होके भी, पोलैंड का होके भी वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन होके ट्रैवल कर रहा है। तो अच्छा लगा भाई से मिलके, अच्छा एक्सपीरियंस था उनको ट्रैवल का। पर क्या करूं यार, मेरे को निकलना पड़ा, मैं थोड़ा जल्दी में था। आई फील कि ऐसा लग रहा है जैसे डायरिया होएगा। तो देखते हैं, अभी तो कोई गेस्ट हाउस देखूं मैं नज़दीक कोई, जितना जल्दी हो सके, अदरवाइज तो समझ गए। खैर, चलती का नाम गाड़ी है भाई। यहाँ पे मैं होटल वगैरह पता है कैसे सर्च करता हूँ भाई, गूगल मैप पे देख लेता हूँ रास्ते में कोई गेस्ट हाउस या होटल दिख रहा है क्या, फिर उसके रिव्यूज़ पढ़ लेता हूँ, फिर उसमें जाता हूँ, फिर रेट वेट देखता हूँ, बार्गेन करने की कोशिश करता हूँ, होता है तो ठीक है, नहीं तो। अब ये देखो, ये मिल गया, अब इसी में जाता हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं, कितने का है, कितने का है, कितने का है। मूवीज हाउस, वाओ, बस धन्य। इज द रिसेप्शन? थैंक यू सो मच। काफ़ी बड़ा होटल है यार, महंगा मिलेगा। वापस निकल लूँ क्या? देखो 300 तक का हुआ तो ले लूँगा, 300 से ज़्यादा हुआ तो नहीं लूँगा, सिंपल सा फंडा। लो भाई 250 में मिल गया, 250 सीडी में। वेयर इज़ द रूम? दिस साइड। इफ यू अलाउ इनसाइड देन ओके, अदरवाइज आई पुट आउटसाइड। तो भाई मैंने होटल में, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट वाले से पूछा कि कुछ वेजिटेरियन मिलेगा, तो बोले कि चावल बना दूँगी मैं और सब्जी के साथ में वेजिटेबल बना दूँगी बिना अंडे की और उसकी, तो देखते हैं क्या मिलता है। इसको ऑर्डर दे दिया था, 50 सिर्फ सीडी ले ली थी, तो 50 सीडी में क्या खिलाएगी अभी देखता हूँ। थैंक यू सो मच। यू हैव वाटर बॉटल? बिग वाटर बॉटल? लेट मी फाइंड आउट फ्रॉम द बाइक। तो भाई सब्जी, थोड़ा सैलेड और चावल ये ला के दिए। आई एम मेकिंग वीडियो। तो अभी देखते हैं कैसा है स्वाद इसका, तो लेट्स सी, होप फॉर बेस्ट, पहली बात में ही पता चल जाएगा। ठीक है।